हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद शबीना। आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक विदाउट ओवन, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं ली हूँ फ्लोर यानी मैदा, आइसिंग सुगर, ऑयल, दो अंडे, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, मुरब्बा, चेरीज चॉप किए हुए, काजू यानी कैशियो, रेजिन्स यानी किशमिश, होममेड क्रीम, स्ट्रॉबेरीज एंड चॉकलेट्स। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बॉल ले रही हूँ, जिसमें मैं मैदा ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और अब मैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें 2 एग्स ऐड कर रही हूँ। और 1 कप मिल्क। अब मैं इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। बीटर की मदद से भी इसे मैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बैटर बन जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेजिन्स यानी किशमिश, काजू यानी कैश्यू, मुरब्बा और चेरीज चॉप किए हुए, और इसे मैं फिर से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं एक स्टील की बॉल ली हूँ, जिसमें मैं ऑयल डाल के ब्रश की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर ले रही हूँ। और मैदे को बिल्कुल अच्छे से स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। और अब मैं सारा बैटर उस स्टील की कटोरी में डाल दे रही हूँ। और इसे पैक करके मैं बिल्कुल अच्छे से सेट कर दूंगी। मैंने पहले से ही प्रीहीटेड कढ़ाई रखी थी, जिसमें अब मैं बाउल को डाल दे रही हूँ और लीड लगा के इसे 40 मिनट तक पकाऊंगी। और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो चलिए टूथपिक की मदद से चेक करते हैं। अभी बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुकी है। मैं इसके ऊपर के पार्ट को कट कर दे रही हूँ। अब
आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है, फ्लफी है। अब मैं इसमें ब्रश की मदद से अच्छे से मिल्क लगा दे रही हूँ। और अब मैं इसमें होममेड केक की प्लेटिंग कर दे रही हूँ। मैं क्रीम को चारों तरफ लगा चुकी हूँ, तो अब मैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की स्लाइसेस लगा दे रही हूँ। और अब मैं इसमें चॉकलेट स्प्रिंकल्स को चारों तरफ स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक को बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको, ये बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड घर पे भी आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपनी एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत ही जल्द मैं Q&A करने वाली हूँ, तो आप अपने क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे DM कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, या फिर आप उसके कोई से भी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप अपने क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।